वेलकम टू कर्मेनको एजुकेशन स्ट्राइव टू एक्सीलेंस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कर्मेनको एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जुलाई 2020 से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से जो कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन थे 30,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर था इसका वो था ए, 30,000 करोड़ रुपए जो है गूगल ने हाल ही में जीए प्लेटफॉर्म्स पर निवेश करने की घोषणा की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 30,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है और ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दोनों कंपनियों की जो वार्ता है, जो बात है, वो अंतिम दौर तक पहुंच गई है और मार्च से लेकर अब तक जो है रिलायंस जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी कंपनियों के ने करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये निवेश किया है और अब गूगल भी जो है जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ा निवेश करने जा रहा है। और गूगल ने हाल ही में यह भी कहा था कि भारतीय डिजिटल बाज़ार में अगले 5 साल में वह 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, गोधन न्याय योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना या मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, गोधन न्याय योजना के तहत जो है 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में देख पाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है गोधन न्याय योजना के तहत जो है गोपालक, जो गायों के पालक हैं, जो गायों को पालते हैं, उन किसानों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी है और इस योजना की जो शुरुआत है राज्य में हरेली पर्व से होगी और राज्य में अब तक जो है 5,300 गोठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408 और शहरी में 377 गोठान बन चुके हैं जहां से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इस योजना से जो है जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गोपालन एंड जो है गो सुरक्षा का प्रोत्साहन, खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही जो है पशुपालकों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं मैप में, इस प्रकार से इंडिया में यहाँ पे स्थित है। जो ये फाउंड किया गया था 1 नवंबर 2000 में किया गया था। जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ के भूपेश बघेल जी हैं, गवर्नर अनसुई उके जी हैं और कैपिटल जो है यहाँ की वो लार्जेस्ट सिटी भी है वो है रायपुर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ जो अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है देख पाएंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ पे देख पाएंगे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रुड़की। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, आईआईटी कानपुर ने जो है शुद्ध नमक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद जो है विकसित किया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स देख पाएंगे आईटी कानपुर के शोध से तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली एक डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी और यूवी ने सैनिटाइजिंग होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इट मींस ये जो आईआईटी कानपुर के शोध से जो तैयार की गई है मोबाइल की सहायता से चलने वाली एक डिवाइस है जो कि जो कमरे को शुद्ध करने के लिए, जैसे कि जो कोरोना वायरस जैसे जो कीटाणु होते हैं उनसे मुक्त करने के लिए इसको चलाया गया है और यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है केमिकल प्रयोग नहीं किया जाएगा और शुद्ध में जो है 15 वाट की 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं। जो ये शुद्ध जो आपका यहाँ पे शुद्ध जो चलाया गया है उसमें जो है 15 वाट की जो है 6 UV लाइट्स लगी हुई हैं और जिस नहीं व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से
ही नियंत्रित किया जा सकता है। और पर जो है जो स्टार्टिंग के जो परीक्षणों में यह भी साबित हुआ है कि अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस जो है करीब 15 मिनट में 10x10 वर्ग फुट के जो है कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में किस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियायत के पूर्ववर्ती शाही परिवार को अधिकारों को बरकरार रखा है। ऑप्शन है शबरीमला मंदिर, अटकल भगवती मंदिर, चट्टानी ककर मंदिर या श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स में जो डाल देते हैं, डिटेल्स से पहले न्यायालय ने जो है इस संबंध में कहा है कि प्रथागत कानून के अनुसार अंतिम जो शासक है कि मृत्यु के बाद भी शवेत अधिकार अर्थात मंदिर में संबंधित मामलों के प्रबंधन करने का अधिकार जो है परिवार के शेष सदस्यों के साथ बना रहता है। जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह एक ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटक स्थलों में से एक है। इसी के साथ एक बार मैप में देख पाते हैं, मैप में जैसे कि देख पाएंगे केरल इस प्रकार से यहाँ पे स्थित है। जो ये स्टेट बना था ये 1 नवंबर 1956 में बना था। जो गवर्नर है यहाँ के वो आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन जी हैं, और जो कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। और जो टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे स्थित है वो स्थित है यहाँ पे 14, और तिरुवनंतपुरम जैसे कि देख पाएंगे वो कि यहाँ पे स्थित है। और बॉर्डर आप देख पाएंगे जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये अपना कर्नाटक और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर भी शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनावों में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। ऑप्शन है फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी या रूस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, पोलैंड। एक बार डिटेल्स में नज़र डाल लेते हैं, डिटेल्स में देख पाएंगे पोलैंड के रूढ़िवादी विचारों वाले दल के आंद्रेस डूडा को चुनावों में कुल 50.21% मत प्राप्त हुए हैं, जबकि उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उनको 48.79% से मत प्राप्त हुए हैं। और पोलैंड जो है मध्य यूरोप में स्थित है, और यह पश्चिमी जो पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, और पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन, तथा उत्तर में जो है रूस और बाल्टिक सागर में से जो है ये घिरा हुआ है। और पोलैंड की जो आबादी है वो है 38.5 मिलियन से भी अधिक है, और जो कि लगभग जो है 312,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिसर की जांच जेठी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन है 205 करोड़ रुपए, 107 करोड़ रुपए, 305 करोड़ रुपए या 405 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, 107 करोड़ रुपए जो है लगाने के लिए जो इसमें मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में बंदरगाह पर मौजूदा अग्निशमन सुविधा LPG और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है, और यह तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है, और इसीलिए जो है बंदरगाह को आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया जा रहा है। और स्थापित अग्निशमन सुविधाएं जो है पेट्रो रासायनिक उत्पादों की जो है आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। जब अग्निशमन की यहाँ पे सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी, यहाँ पे दी जाएंगी, तो उससे क्या होगा जो पेट्रो रासायनिक उत्पाद हैं उनकी जो आवाजाही है, उनका जो आना जाना है उसको सुरक्षित भी बनाए रखेंगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विधुपी नायर, विक्रम दुरस्वामी, रीवा गांगुली दास या रुदेंद्र टंडन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, विधुपी नायर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं,
भारत सरकार द्वारा विदुपी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत जो है नियुक्त कर दिया गया है, और जो वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में वर्किंग हैं, और वे 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी भी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन, या डिजिटल फैशन वीक, या डिजिटल चौपाल, या ई कन्वेक्शंस। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, डिजिटल चौपाल का जो है निम्न जो है इस बार 39वें स्थापना दिवस पर आयोजन किया गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में एक विज्ञप्ति ने कहा गया कि इस पहल के कारण जो है दूसरे प्रदेशों से गांव वापस आए मजदूरों के इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो गांव में लोग वापस आए हैं, जो भी गांव में लोग जो मजदूर लोग वापस गए हैं, उनसे इनके जो इलाके मजदूरों के जो इलाके हैं उनकी जो आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। और नाबार्ड ने जो है जल समस्या के मद्देनज़र जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के लिए एक एक स्प्रिंग शेड आधारित वाटर शेड परियोजना की मंजूरी भी दी है। नाबार्ड के अनुसार जो है लेह में 3 कृत्रिम ग्लेशियर बनाने की परियोजना से भविष्य में अप्रैल मई के दौरान स्थानीय लोगों को सिंचाई हेतु आने वाली मुश्किलों से निजात मिलेगी, और इससे क्या होगा 1643 ग्रामीणों को भी लाभ पहुंचेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देख पाएंगे यह है नाबार्ड। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसके जो फॉर्मेशन हुई थी वो जुलाई 12 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और जो एजेंसी एग्जीक्यूटिव है इसकी हर्ष कुमार भानवाला जो कि चेयरपर्सन है यहाँ के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कोलकाता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है? ऑप्शन है 5, 9, 4 या 2। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 9 जज जो हैं उनको स्थायी बनाने की सिफारिश की है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त के प्रस्ताव को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी है, और इस न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी जो इनमें जो लोग शामिल हैं जिनको न्यायाधीश जो है बनाया जाएगा स्थायी रूप से, उनमें जो शामिल हैं वो हैं जस्टिस मंजरी नेहरू कोल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेट्टी, जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस मनोज बजाज, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और जस्टिस हरेंद्र सिंह गिल इन लोगों में शामिल है जिनको एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन है निमोनिया, थायराइड, चेचक या कैंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, निमोनिया। निमोनिया को जो है पहली बार जो है स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, टीके के लिए विशेषज्ञ समिति की मदद से DCGI ने पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सौंपे गए क्लिनिकल ट्रायल के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के आंकड़ों की समीक्षा की, और न्यूमोकल पॉलीस्क्राइड कॉन्जुगेट टीके को बाज़ार में उतारने की अनुमति दे दी है। और यह टीका इंजेक्शन की मदद से लगेगा, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टीके का जो उपयोग है निमोनिया से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने DCGI से टीके के पहले, दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल भारत में करने की मंजूरी भी ली है, और इसका जो ट्रायल है वो गाम्बिया में भी हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रम दुरस्वामी, राहुल सचदेवा,
नरेश अग्रवाल या मोहन त्रिपाठी। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए थे 17 जुलाई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।